यदि किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं तो गोबर खाद के अलावा शशगव्य, पंचगव्य तथा कुनाफा जला का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक खेती में किसान भाई गोबर खाद के साथ बीजामृत, जीवामृत तथा घनामृत के प्रयोग से फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी सब्जी है दलहन छोड़ करके, तो वहाँ पर आप जो है एजिटोबैक्टर लगाएंगे जो नाइट्रोजन सपोर्ट करेगा, दूसरा पीएसबी लगाएंगे फास्फोस सॉल्विंग बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का उपयोग करेंगे। अगर आप नेचुरल फार्मिंग के रास्ते जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बीजामृत और उसके बाद जीवामृत, घनामृत के रास्ते से जाएंगे, जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स की सपोर्ट मिलेगा। बीजामृत से वह जो है अच्छे जर्मिनेशन होगा। जीवामृत जिसको बोलते हैं, 180 लीटर पानी, 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का मूत्र और 2 किलोग्राम खराब वाला बेसन, 2 किलो खराब गुड़ और 1 मुट्ठी या 1 किलो बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी। यह जो है बैक्टीरिया बेस पे है। यह जो गोबर खाद होता है उसमें 3 से 4 लाख बैक्टीरिया रहता है 1 ग्राम में। तो यह जो घोल बना लेंगे आप जीवामृत का, इसमें 7400 करोड़ बैक्टीरिया हो जाएगा। यही बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन बनाएगा, फास्फोरस बनाएगा, आपका पोटास बनाएगा, सब चीज़ जितना पौधे को चाहिए वो उपलब्ध कराएगा। किसान भाइयों, फसलों की अच्छी बढ़वार में सिंचाई की भूमिका बहुत अहम होती है। इसके लिए भूमि में मौजूद नमी के अनुसार सिंचाई करने की ज़रूरत है। यदि किसान भाई मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो उन्हें वैसे भी कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप जो है इसकी सोइंग करते हैं तो उसी समय मॉइस्चर पता चल जाता है कि ये इससे जर्मिनेट हो जाएगा या नहीं। अगर आपने सोइंग कर दिया है, उसमें लगता है कि पानी की कमी है, तो लगाने के बाद आप जो है तुरंत जो है पानी दें। जैसे आलू लगाते हैं, नमी अगर उसमें बना हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप 7 से 8 दिन तक वेट करिए, और अगर उसमें नमी लगता है कि नमी नहीं है तो आप स्प्रिंकलर से दे सकते हैं या फरो से दे सकते हैं, आप उसका रेनगन से भी दे सकते हैं। तो अभी मौसम तो पानी के लिए उचित है, तो आप जो है बुवाई के समय पानी देंगे, निकाई बढ़िया ढंग से हो जाएगा और उसके खरपतवार हट जाएंगे और वह मिट्टी चढ़ जाएगा, उसके बाद पानी देंगे। 10 दिन से आपका 15 दिन के अंतर पर आप समय समय पर उस पर पानी देते जाएंगे। और अगर मल्चिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा कि पानी का जो नुकसान होता है इवेपोरेट होकर के हवा में चला जाता है, तो वह मल्चिंग के कारण लंबे अवधि तक आपके ज़मीन में नमी बना रहता है, उससे पानी आपका कम टाइम पर लगने की बात नहीं रहेगा, उसकी जो ड्यूरेशन है वह 15 से 20 दिन 25 दिन पे ही आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाई, यदि आप वैज्ञानिकों की अनुशंसा पर सब्जियों की खेती में मात्रा अनुसार उर्वरकों और जैविक खाद का प्रयोग करें तो आप सब्जियों की अच्छी फसल ले सकते हैं और अपनी आमदनी दुगनी से भी ज़्यादा कर सकते हैं।